अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। परमपूज्य श्री लक्ष्मण चैतन्यजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त जामनेर शहरात अखिल भारतीय बंजारा व लबाणा समाजाच्या नियोजन कार्यालयामध्ये जयंती उत्सव प्रतिमा पूजन करून संपन्न झाला। यावेळी जामनेर नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा साधना महाजन आणि श्याम चैतन्यजी महाराज यांच्या उपस्थितीत परमपूज्य श्री लक्ष्मण चैतन्यजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले। यावेळी बंजारा समाजातील सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ समाजबांधव व लभाणा समाजातील सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ समाजबांधव उपस्थित होते। संत श्री सेवालाल महाराज की जय, बालाजी भगवान की जय, विश्वगुरु गुरु नानक साहेब की जय, ब्रह्मा मैया की जय। गुरु की महिमा कौन जाने, ना पंडित ना सयाना, गुरु एक गंगा की बहती धारा, जिनके चरणों में अर्पित जीवन सारा। या अनुषंगाने आपण सर्व शिष्य ज्या बापूंच्या चरणाशी लीन होते ते परम पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू यांच्या आज आपणास सांगताना आनंद होत आहे। बापूजी नेहमी सत्संगात सांगत की मी मेरे समाज को एक स्वर्णिम समाज के रूप में देखना चाहता, जो समाज एक संगठित समाज हो, जो समाज एकत्रित आके अपने स्वयं का विकास करता हो, ऐसा समाज में देखना चाहता हूँ। धर्म की रक्षा करने वाला समाज, देश की रक्षा करने वाला समाज में देखना चाहता हूँ। आणि त्याच बापूंच्या जयंती उत्सवा निमित्त आपण या ठिकाणी आज जमलेलो। मित्र हो, बापूजींनी अंधश्रद्धेवर प्रहार केला, परंतु श्रद्धा आणि सबुरी या दोघांच्या माध्यमातून समाजाने विकास साधावा अशी प्रतिज्ञा, असा संकल्प बापूजींनी प्रत्येक समाज बांधवांना त्या ठिकाणी। आज वृंदावन धाम मध्ये आपण बघितलं, ज्यावेळेला आपण जातो तेव्हा मंदिरात, जेव्हा मंदिरात जाताना जेव्हा एक चैतन्यमय शक्ती निर्माण होते, त्यावेळेला वृंदावन धाम मध्ये आपण जेव्हा प्रवेश करतो तेव्हा अमृताची चैतन्य शक्ती आपल्यामध्ये जणू काही प्रवाहित झालेली आहे असं आपल्याला त्या ठिकाणी वाटतं। एवढी ताकद, एवढा महिमा आपल्या बापूजींचा। आज या ठिकाणी आपण सर्व जमला आहात या अनुषंगाने अखिल भारतीय बंजारा व लबाणा समाजाच्या नियोजन कार्यालयातर्फे मी आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि आमच्या समाजाचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय श्री दौलत भाऊ यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी दोन शब्द प्रतिपादित करतात। दोन्ही समाजाचं म्हणजे बापू तो त्यांचा असं पहिले एक शब्द असायचे की भाई कोई जो महापुरुष जो जन्म लेता है ये किसी समाज का नहीं होता। जग समुद्र के जैसा हर जगव्यापी उनका जीवन था। बाबा जी गुरु भाई का नाता है, हमने बापू को बहुत नजदीक से देखा और जो संधि उस समय हमें मिली वो शायद ही अभी किसी के नसीब में मिले। तो उनका जीवन चरित्र के बारे में क्या बताए कि स्वयं भगवान ही थे और कुछ ऐसे अवतार पुरुष होते हैं जो ऊपर से ही बनकर आते हैं, उनको बनाया नहीं जाता, तो खुद होकर बनकर आते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु जी परम पूज्य लक्ष्मण चैतन्य जी बापू, इनके आशीर्वाद से, इनके सानिध्य से, ऐसे ऐसे महापुरुष के पास हम भिलहड़ जैसे गांव से, छोटे से गांव में से 90-90, 100-100 लोग सत्संग सुनने के परम पूज्य मुरारी बापू के यहाँ जाते हैं, तो उनका ही ये प्रसाद है। क्योंकि ये सहज बात नहीं है। पहली बात तो हमारे समाज में सत्संग शब्द ही नहीं माना, इसका पूजारोपण जो हुआ वो पान से ही हुआ। आज जो भी चेहरा आपको सामने सब दिख रहे हैं पाल का ही हुक्म, उसका ही फल। इतना ही मेरे गुरु जी के चरणों में समर्पित करके समय के अभाव रखते हुए मेरे गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हुए जय सियाराम, जय सियाला। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, संत चाहता है कि जैसे हम लोग जीवन में आनंदित रहते हैं वैसा पूरा समाज आनंद में रहे। संत कहा करते हैं कि बुरा तसे जनन न देखवी डोला मुनी कड़बड़ाई तसे। मुझे बापू जी ने 17 साल उपवास लेकर तपस्या करके हम सबको आध्यात्मिक ज्ञान इतना प्रचुर मात्रा में दिया है। उस ज्ञान के माध्यम से बापू जी ने हमें इतना ही बोला है कि तुम मेरे अनुयायी यदि हो
मेरे विचार लेकर तुम्हारा जीवन का विकास होगा। सिर्फ मुझे पूजने से, मुझे मानने से उतना फायदा नहीं होगा, तुमने मेरे विचार तुम्हारे बापू जी। अंतिम क्षण तक बापू जी ने हमको ये संदेश दिया कि अंधश्रद्धा व्यसन इन चीजों से बाहर निकलकर हम एक सक्षम संगठित समाज का हम निर्माण करें और हमारे युवा, हमारी युवती अच्छे संस्कार लेकर अच्छी अच्छी पोस्टिंग पर जाए और उनका जीवन का विकास हो। हमारे समाज का आदर्श लेकर अन्य समाज में हम एक ऐसा मैसेज दे कि हमारे समाज में एक ऐसे महापुरुष हुए, संत श्री दगड़ू जी बापू है, संत श्री सेवालाल महाराज जी हुए, संत श्री ईश्वर सिंह बापू जी हुए और हमारे आंखों के सामने हमारे बापू जी अभी अभी हमने से 2009 में गए। उनका अंतिम क्षण तक एक ही इच्छा थी कि मेरा समाज स्वर्णिम समाज बने, मेरा समाज एक अद्भुत समाज बने, क्योंकि बंजारा समाज का एक समाज नहीं होता है, लेकिन बंजारा समाज एक मर्यादा, एक प्रेम, एक इतना सुंदर समाज है। उसे लिए 2023 में अखिल भारतीय बंजारा और लबाना समाज समाज का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। इस माध्यम से कहेंगे बाबूजी ने ये प्रेरणा दी हो या अन्य संतों की, कि समाज कहीं ना कहीं एक जगह आए और हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हम जो संस्कृति भूलते चले जा रहे हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति को हमारे जीवन में अपना रहे हैं, ये छोड़कर हम लोग एक हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू है, इस हिंदुत्व को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और आज स्वतंत्रता दिवस और पूज्य बापू जी के जन्मदिन पर मैं आप सभी को शुभकामना दूंगा कि बापू जी हम सबको समृद्धि दे, हम सबके विचार एक हो, हम सब संगठित हो और संगठित होकर हम सब एक दूसरे को प्यार बांटते हुए जोर से जोर लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको जोर से लगाते चलो। इस भावना के साथ हमारे जामनेर के प्रथम लोकनियुक्त नगर अध्यक्ष सरनाथ महाजन और पूरा समाज यहाँ उपस्थित हुए, सभी को धन्यवाद देते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।